जहां इन दिनों हम सब आईपीएल की खबरों को लेकर काफी ज्यादा व्यस्त चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम लगातार कह सकते हैं कि इंटरनेशनल मुकाबलों को जीतकर काफी मस्त दिख रही है, क्योंकि अब उन्होंने जिम्बाब्वे की टीम को भी मात दे दी है। दोस्तों, दो टेस्ट मैचों में लगातार जीत हासिल करके जिम्बाब्वे की टीम ने कई सारे बड़े बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं, जहां पर हमने आबिद अली का दोहरा शतक देखा, अजहर अली का उनके साथ एक ऐसा शतक देखने को मिला जो बहुत कमाल का था, और नौमान अली की उस पारी की भी तारीफ करनी बनती है जो 104 गेंदों में 97 रन बनाए। हम टेस्ट मुकाबलों की बात कर रहे हैं दोस्तों। जिम्बाब्वे को जिम्बाब्वे के घरेलू मैदान पर ही लगातार दो टेस्ट मैच हराकर पाकिस्तान की टीम ने कुछ अनोखे रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए, जिसमें हसन अली का कोई बड़ा रिकॉर्ड है, और साथ ही साथ 36 साल की उम्र में एक खिलाड़ी ने डेब्यू किया जहां पर उसको 18 साल तक का लंबा इंतजार करना पड़ा। लेकिन कहते कि समय हर किसी का आता है, लेकिन 18 साल बाद समय आता है, इतना इंतजार तो दोस्तों बहुत भारी पड़ता है। और ये भी कहा जा रहा है दोस्तों कि शाहीन नौमान ने दोहराया 112 साल पुराना कारनामा, और बाबर आजम ने भी रिकॉर्ड की झड़ी लगा दी। तो आइए एक नजर डालते हैं दोस्तों इन रिकॉर्ड्स पर जो कि पाकिस्तान की टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते हुए बनाए, जिसमें कप्तान बाबर आजम के रिकॉर्ड से लेके शाहीन नौमान के बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड्स शामिल हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट, जिसमें आपको पता चलेगा इन बड़े रिकॉर्ड्स के बारे में, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगर दोस्तों इस समय आप पाकिस्तान या इंडिया किस टीम को बेटर मानते हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, या बाबर आजम या विराट कोहली में से किसे बेटर मानते हैं ये कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट जिसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जिम्बाब्वे दौरे पर पहुंची पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज में जिम्बाब्वे की टीम का सूपड़ा साफ कर दिया। 2-0 से जीत हासिल करके पाकिस्तान की टीम ने सीरीज के आखिरी मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए आबिद अली के दोहरे शतक के दम पर 510 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया और फिर पारी को डिक्लेयर कर दिया। आबिद अली के अलावा अजहर अली ने भी शतकीय पारी खेली। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम पहली पारी में 132 रन पर सिमट गई, तो वहीं दूसरी पारी में फॉल ऑन का पीछा करने के लिए मजबूर टीम 231 रन पर फिर से ढेर हो गई। इसके साथ ही पाकिस्तान की टीम ने 147 रन और एक पारी की विशाल जीत हासिल की। पाकिस्तान की टीम ने सीरीज के पहले टेस्ट मैच में भी 116 रन पर और पारी से जीत हासिल की थी, जिसके चलते उसने सीरीज में 2-0 से जिम्बाब्वे को क्लीन स्वीप किया। इस जीत के साथ ही पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने रिकॉर्ड की झड़ी लगा दी और टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी करते हुए अपने करियर के पहले 4 लगातार टेस्ट मैच जीत हासिल करने वाले पहले कप्तान बन गए बाबर आजम। दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी की भी बराबरी करने की पूरी कोशिश की और वह बराबरी करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान के लिए बतौर कप्तान सबसे ज्यादा जीत का रिकॉर्ड वकार यूनिस के नाम था, जिन्होंने पहले 4 में से 3 मैच जीते थे। तो वहीं सलीम मलिक के नाम भी 4 में से 3 मैचों की जीत का रिकॉर्ड दर्ज है। इतना ही नहीं, बाबर आजम विश्व क्रिकेट में लगातार पहले 4 टेस्ट मैचों में जीत हासिल करने वाले 8वें कप्तान भी बने, और इसी 21वीं सदी में यह कारनामा करने वाले दूसरे कप्तान, क्योंकि 21वीं सदी में लगातार 4 टेस्ट मैचों में जीत हासिल करने का रिकॉर्ड भारतीय टीम के सबसे सफल कप्तान जिन्होंने आईसीसी की 3 ट्रॉफी जीती है वो नाम है महेंद्र सिंह धोनी का। इनके रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है, क्योंकि धोनी के नाम के साथ अब इसमें बाबर आजम का नाम भी शामिल हो गया है, क्योंकि उन्होंने 21वीं सदी में लगातार 4 टेस्ट मैचों में जीत हासिल करी। अब एक और बड़े रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों, तो पाकिस्तान की इस जीत का श्रेय उसके गेंदबाजों को भी जाता है, जिसमें हसन अली से लेकर शाहीन अफरीदी और नौमान अली का नाम शामिल है। इन तीनों ही गेंदबाजों ने 5-5 विकेट चटकाने का काम किया है, क्योंकि हसन अली ने पाकिस्तान के लिए पहली पारी में 5 विकेट हासिल किए, तो वहीं शाहीन अफरीदी और नौमान अली ने दूसरी पारी में 5-5 विकेट हासिल किए। हसन अली ने क्रिकेट में 17 साल में पहली बार लगातार 3 मैचों में 5 विकेट हॉल लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। उनसे पहले साल 2004 में यह कारनामा शोएब अख्तर ने करके दिखाया था। शाहीन नौमान ने दोहराया दोस्तों 112 साल पुराना रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट में पहली बार एक ही मैच में 3 अलग अलग गेंदबाजों ने 5 विकेट हॉल लेने कारनामा किया है। इतना ही, नौमान अली और शाहीन अफरीदी ने क्रिकेट इतिहास के 112 साल पुराने रिकॉर्ड को भी दोहराने का काम किया। पाकिस्तान क्रिकेट इतिहास में एक पारी में सभी 10 विकेट बाएं हाथ के गेंदबाजों को जाने का कारनामा पहली बार हुआ है। तो वहीं पर विश्व क्रिकेट में एक ही पारी के दौरान 2-5 विकेट हॉल लेने का कारनामा 112 साल बाद देखने को मिला। 1909 में इंग्लैंड के जॉर्ज होस्ट और कॉलिन ब्लाइथ ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये कारनामा पहली बार किया था,
जिसके बाद पाकिस्तान गेंदबाजों ने यह खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। भले ही दोस्तों जिम्बाब्वे की टीम एक कमजोर टीम मानी जाती है इंटरनेशनल के मैचेस में, लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान की टीम की बल्लेबाजी से लेके गेंदबाजी से लेके फील्डिंग तक ने पूरा साथ दिया, जिसकी वजह से दोनों ही टेस्ट मुकाबलों में एक एक पारी और 100 रन से प्लस की जीत के साथ हासिल करी है। तो ये एक पाकिस्तान की टीम के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के सामने आया था और उनकी आईसीसी जो अब रैंकिंग है उसमें उछाल आएगा। साथ ही साथ बाबर आजम ने इस टेस्ट मुकाबले में नाखुश किया है अपने फैंस को, क्योंकि जब जब उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका मिला तब वो बल्लेबाजी पर उस प्रकार से खड़े नहीं उतरे। साथ ही साथ दोस्तों हसन अली ने एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया, क्योंकि इन्होंने पिछले 15 मुकाबले जो इस साल खेले गए हैं 2021 में, पहले तो 10 मुकाबलों में 34 विकेट लेकर रविचंद्रन अश्विन सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हुए थे, लेकिन अब हसन अली ने 15 मैचेस में 40 विकेट लेके ये रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज कर लिया है। तो ये कुछ बड़े रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किए पाकिस्तान की टीम ने जिम्बाब्वे के साथ खेलते वक्त इस सीरीज के दौरान। तो देखा दोस्तों आपने किस प्रकार से इस समय पाकिस्तान का परचम लहरा रहा है हर देश के सामने, क्योंकि वो एक के बाद एक टेस्ट मुकाबले में जीत हासिल कर रही है। इस जीत में सबसे बड़ा किरदार है दोस्तों बाबर आजम का। बाबर आजम इस समय बहुत अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग फिर भी उनकी कप्तानी पर कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि बाबर आजम जिस प्रकार से टीम का सिलेक्शन कर रहे हैं उससे कई लोगों को दिक्कतें हैं। क्योंकि अगर पाकिस्तान के सामने कोई खतरनाक टीम जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया या फिर इंग्लैंड या न्यूजीलैंड आती है तो उनकी यही प्लेइंग 11 पूरी तरीके से ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। ये बात कई सारे आलोचक कहते नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद दोस्तों हमने देखा कि आईसीसी की वन डे T20 रैंकिंग में बाबर आजम ने जिस प्रकार से पिछले कुछ मैचेस में उछाल प्राप्त की है वो किंग कोहली की बराबरी करते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ वो कप्तानी में महेंद्र सिंह धोनी की बराबरी कर रहे हैं, जहां उन्होंने 4 टेस्ट मैचों में 21वीं सदी में लगातार 4 टेस्ट मैच जीत ली, जो धोनी के साथ पहले करने वाले कारनामा बन गए हैं खिलाड़ी। तो दूसरी तरफ बल्ले से कमाल दिखाते वक्त वो कोहली के साथ बराबरी कर रहे हैं, मतलब इस खिलाड़ी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है दोस्तों। वैसे तो पड़ोसी मुल्क है, लेकिन देखा जाए तो आपसी मतभेद के चलते इनके बीच साल 2014 के बाद से कोई भी द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली गई, लेकिन अगर देखा जाए तो ये टीमें बहुत जबरदस्त हैं। और अगर इनका मुकाबला यानी इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला आने वाले कुछ सालों में या फिर T20 वर्ल्ड कप में ही होता है तो मुकाबला बहुत जबरदस्त होगा, क्योंकि T20 के सबसे खतरनाक बल्लेबाज एक तरफ होंगे बाबर आजम, और T20 या फिर वनडे या फिर टेस्ट की बात करें तो चेज मास्टर विराट कोहली इनके सामने होंगी, जहां एक तरफ हसन अली होंगे तो दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह होंगे। ये बहुत खतरनाक दोस्तों हमें मैच देखने को मिलेगा, लेकिन इस मैच के लिए इंतजार बहुत लंबा करना पड़ेगा, क्योंकि अभी अभी देखा जाए तो मतभेद चल रहे हैं, आपसी जो सीमा विवाद चल रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया के मुकाबले संभव नहीं हो पा रहे। लेकिन अगर ये देखा जाए बीसीसीआई की तरफ से हाल ही में बयान सामने आया था कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का अगर या जो पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शामिल होगी, अगर भारत देश में T20 वर्ल्ड कप होता है तो उसके लिए वीजा पास करवाया जाएगा पाकिस्तान की टीम के लिए और पाकिस्तान की टीम आएगी भारत देश में। तो ये एक अच्छा दोस्तों कह सकते हैं कि पहला कदम बढ़ाया जा रहा है कि चलिए T20 वर्ल्ड कप सही सही, लेकिन एक अच्छी शुरुआत है कि पाकिस्तान की टीम को भारत देश में एंट्री दी जा रही है। अब इंतजार सिर्फ इस बात का है कि जिस दिन भारत पाकिस्तान का मैच होगा उस दिन सड़कें सुनसान हो जाएंगी दोस्तों। इस बात की शर्त लगा सकता हूं कि लॉकडाउन जैसा माहौल उस दिन भी बन जाएगा, जैसे भले ही अभी लॉकडाउन में सभी लोग घर में मौजूद हों लेकिन वैसे उस दिन भी माहौल बन जाएगा। तो उस दिन का इंतजार बेसब्री से आप कितना इंतजार करें उस दिन का एक लाइक और कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आप किंग कोहली या फिर बाबर आजम में से किसी को बेहतर खिलाड़ी मानते हैं तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएगा। नेक्स्ट एंड स्पोर्ट्स में दीपक गुप्ता आपसे विदा लेता हूं, धन्यवाद दोस्तों।